फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कीवर्ड तक के लिए कई बार हम टिल और कई बार हम फा का इस्तेमाल करते हैं, तो कैसे जाने कि कब हमको वर्ड तक के लिए टिल बोलना है या फा बोलना है। तो आइए फ्रेंड्स इस कंसेप्ट को समझें। बहुत आसान कंसेप्ट है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आएगी। फ्रेंड्स, तक के लिए हम टिल का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, यानी हम ऐसी टाइम की बात करें जिसका हमें पॉइंट पता हो, यानी एग्जैक्ट टाइम। लेकिन अगर हम बात फा की करें तो तक के लिए हम फा का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमको पीरियड ऑफ टाइम की बात करना हो। पीरियड ऑफ टाइम यानी एक ऐसा टाइम जो ड्यूरेशन की बात करता है, जो एक पॉइंट की बात न करे बल्कि एक परिधि की बात करे, यानी एक दौरान की बात करे। तो फ्रेंड्स, आप ये बात याद रखेंगे कि तक के लिए टिल का इस्तेमाल आप पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करेंगे और फा का इस्तेमाल आप पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है ताकि आपको मैं ये बात समझा सकूं। फ्रेंड्स, ये सभी पॉइंट ऑफ टाइम है, जैसे 7 o'clock यानी 7 बजे, एग्जैक्ट टाइम आपको बताया जा रहा है कि 7 बजे, यहाँ पर पॉइंट की बात की जा रही है। उसी तरीके से फ्रेंड्स, दिनों के नाम जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सभी पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। वर्ष के नाम जैसे 1947, 2018, ये सभी पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। और सुबह, दोपहर, शाम और रात, ये सभी पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। जैसे कहना हो 7 बजे तक तो आप कहेंगे टिल 7 o'clock। अगर आपको कहना हो संडे तक, आप कहेंगे टिल संडे। मार्च तक टिल मार्च। 1947 तक टिल 1947। सुबह तक टिल मॉर्निंग। दोपहर तक टिल नून। शाम तक टिल इवनिंग। रात तक टिल नाइट। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम बात फॉ की करें तो फॉ का इस्तेमाल आप पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेंगे। जैसे अगर हम बात दिन की करें लेकिन दिन का नाम न ले, बस हम दिन बोले, जैसे 5 दिन तक, 6 दिन तक, 10 दिन तक, 2 दिन तक, तो यहाँ पर तो मैं दिन बोल रहा बट मैं दिन का नाम नहीं ले रहा। तो अगर आपको कहना हो 3 दिन तक, आप कहेंगे फॉर 3 days, 4 दिनों तक फॉर 4 days, 5 दिनों तक फॉर 5 days। फ्रेंड्स, अगर हम वीक की बात करें जैसे 2 सप्ताह तक, 3 सप्ताह तक, 4 सप्ताह तक, तो यहाँ पर आप फा का इस्तेमाल करेंगे। आप बोलेंगे फॉर 2 weeks यानी 2 सप्ताह तक, फॉर 3 weeks यानी 3 सप्ताह तक। फ्रेंड्स, अगर हम महीना की बात करें, यानी महीना का नाम नहीं लेना है, बस आपको महीना बोलना है, जैसे 2 महीनों से, 4 महीनों से, 10 महीनों से, 5 महीनों से, 6 महीनों से, तो यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। एग्जैक्ट कौन सा महीना था ये नहीं बताया जा रहा, तो आप यहाँ पर फा का इस्तेमाल करेंगे। आप बोलेंगे फॉर 2 months 2 महीनों तक, फॉर 3 months 3 महीनों तक, फॉर 10 months 10 महीनों तक। फ्रेंड्स, अगर वर्ष की बात किया जाए तो आप फा का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर आपको कहना हो 2 वर्ष तक, आप कहेंगे फॉर 2 years, 3 वर्ष तक, आप कहेंगे फॉर 3 years, अगर आपको कहना हो 4 वर्ष तक, आप कहेंगे फॉर 4 years। चूंकि यहाँ पर बात पीरियड ऑफ टाइम की हो रही है, इसलिए आप फा का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरीके से फ्रेंड्स, घंटा के लिए आप फा का इस्तेमाल करेंगे। 5 घंटे तक फॉर 5 hours, 6 घंटे तक फॉर 6 hours, 7 घंटे तक फॉर 7 hours। अगर हम बात मिनट की करें तो अगर आपको कहना हो 4 मिनट तक, आप कहेंगे फॉर 4 minutes, 5 मिनट तक फॉर 5 minutes, 10 मिनट तक फॉर 10 minutes। अगर आपको कहना हो 5 सेकंड तक, आप कहेंगे फॉर 5 seconds, 10 सेकंड तक फॉर 10 seconds। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको तब के लिए टिल और फॉर का यूज समझ में आया कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप टिल का इस्तेमाल करेंगे और पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक और कंसेप्ट समझा दूं जिसका इस्तेमाल टेंस में कई जगह होता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्रेंड्स, अगर हम बात से की करें, जैसे अगर टाइम के पहले से लिखा हो, जैसे सुबह से, बचपन से, 4 बजे से, घंटों से, संडे से, मार्च से, तो अगर टाइम के पहले से आ जाए तो आप सिंस और फा का इस्तेमाल करेंगे। कंडीशन वही है फ्रेंड्स, आप सिंस का इस्तेमाल पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करेंगे। यानी अभी मैंने आपको पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताया, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे जब समय के पहले लिखा हो से। और अगर बात पीरियड ऑफ टाइम की करें तो से के लिए आप फा का इस्तेमाल करेंगे। यानी समय के पहले अगर से लिखा हो और वो टाइम अगर पॉइंट है तो आप सिंस का इस्तेमाल करें, अगर वो पीरियड है तो आप फा का इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आपको एक और बात कहूंगा ताकि यह लर्निंग कम्प्लीट हो जाए। फ्रेंड्स, जैसा की आपने सीखा
अगर समय के पहले से आएगा तो आप पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फ्यूचर टेंस में सिंस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो अगर आपके सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, तो आप सिंस का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपके सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है तो आप सिंस के जगह पर फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। ये बात फ्रेंड्स आप खास तौर पर याद रखेंगे, क्योंकि अक्सर लर्नर इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आया कि अगर समय के पहले तक लिखा हो और आपका समय अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो आप टिल का इस्तेमाल करेंगे, और पीरियड ऑफ टाइम है तो आप फा का इस्तेमाल करेंगे। और अगर टाइम के पहले से लिखा हो तो से के लिए कभी सिंस कभी फा लिखा जाता है। अगर वो पॉइंट ऑफ टाइम है तो आप सिंस का इस्तेमाल करें, अगर वो पीरियड ऑफ टाइम है तो फा का इस्तेमाल करें। सिंस का इस्तेमाल सिर्फ प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में ही किया जाता, फ्यूचर टेंस में सिंस के जगह पर फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।